कुछ लोग कहते यार ये गरीब है इनसे क्या बात करना है, ये तो गरीब, हम लोग अमीर है हम लोग अमीर के साथ बात करेंगे, लेकिन उनको कहना है कि ना देख के हंसना कभी फुटपाथ के फकीरों को, फिर बताना कि गरीबी किधर से आई है और किसी के फका कशी में तंज ना करना क्योंकि शाहे मदीना के घर से आई है। ये मिट्टी के बर्तन, ये टूटी चटाई, ये कारस से नादान क्या देखता है, गरीबी तो मेरे मोहम्मद के घर में पली थी, तू मेरे घर के सामान क्या देखता है, गरीबी मेरे मोहम्मद के घर में पली थी तू मेरे घर के सामान क्या देता है। लेकिन फिर दो को सरे हश्र संभालेंगे मोहम्मद, कमली में गरीबों को छुपा लेंगे मोहम्मद, उम्मत को जहन्नम से बचा लेंगे मोहम्मद, डालेंगे खुदा और निकालेंगे मोहम्मद। कितनी प्यारी बात कि डालेंगे खुदा और निकालेंगे मोहम्मद, लेकिन हमारे हुजूर क्या है कि हूबहू शक्ल में इंसान नजर आते हैं, वो सादे कपड़ों में भी जीशान नजर आते हैं, कुछ बड़े होकर भी लगते हैं जैसे फकीर, हमारे सरकार तो चटाई पर भी सुल्तान नजर आते हैं। लेकिन अल्लाह रसूल के बीच कुछ गहरी बात के लबों पे तबस्सुम, निगाहों में बिजली, कयामत कहीं से चली आ रही है, खुदा के लिए अपनी नजरों को रोको, मेरे दिल की दुनिया लुटी जा रही है, मेरे दिल की दुनिया लुटी जा रही है। क्योंकि गए पर्दे में जब शाही अरब तो सर नजर आया, अरब का ऐन का पर्दा हटा तो रब नजर आया, क्योंकि बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमी वो खिसाल ही सल्लु अलैहि वालिही, चाहती उसको हूँ जिसका कोई जवाब नहीं। ये इंतखाब कोई मामूली इंतखाब नहीं, कसम खुदा की खुदा भी यही कह रहा है, ऐ नबी मेरा जवाब तो तू है पर तेरा कोई जवाब नहीं, मेरा जवाब तो तू है पर तेरा कोई जवाब नहीं। लेकिन दुनिया झुकी है यजीदों के सामने, किसी की नहीं चलती नसीबों के सामने, अरे हये अल्लाह सलाह का कुछ तो ख्याल करो, गूगल नहीं चलेगा फरिश्तों के सामने, गूगल नहीं चलेगा फरिश्तों के सामने। लेकिन कौन किसी के दुख के लिए रो